राजस्थान के किला रहमतगढ़ तो सिंगू बार्डर लई राशन समेत एक वड्डा काफला समूह मुस्लिम भाईचारा मलेरकोटला वालों रवाना होया। उक्त काफले नू हाजर मौलाना मुफ्ती इरतका उल हसन कांदलवी मुफ्ती ए आजम पंजाब सतार लेवड़ा मैंबर पंजाब वाकफ बोर्ड नदीम अनवर खां समाज सेवी मुहम्मद हबीब किला तो इलावा समूह इलाके निवासियों ने दुआ दे नाल रवाना किया। इस मौके गलबात के दौरान मुफ्ती साहब ने कहा कि दिल्ली बार्डर के तीन खेती कानूनों नू रद्द करवाने नू लेके वड्डी गिणती विच किसान अते आम लोग लंबे अरसे तो धरना दे रहे ने। उन्हें कहा कि अजिहे दे विच उन्हां लोकां लई राशन अते होर सहूलतां मुहैया करवाउणियां साडा सारिआं दा मुढ़ला ते इंसानी फर्ज बनदा है। उन्हां होर कहा कि इस्लाम धर्म भी जरूरतमंदां नू खाणा खवाउण दी ताकीद करदा है। सरदार लेबड़ा ने अपने बयान विच कहा कि मलेरकोटला वासियों का यह एक वधिया कदम है अते मैं खुद बार्डर ते जाके आया हाँ अते किसानां दे धरने विच शामिल हो चुक्या हाँ। उन्हें कहा कि सानू सब नू अपने कारोबार नू अगे पिछे करके किसान धरने विच शमूलियत करनी चाहिए है तां कि उक्त काले कानून नू रद्द करवाउण लई केंद्र सरकार नू मजबूर किया जा सके। जदों कि हबीब किला ने दस्सिया कि उक्त राशन लई इलाके निवासियों ने अपने अपने तौर ते हिस्सा पाया है अते इस तरह के राशन समेत काफले आने वाले दिनों विच भी मलेरकोटला तो रवाना होंदे रहणगे। आज यहाँ मलेरकोटला से पंजाब के समूह मुस्लिम भाईचारा की जानिब से लंगर का एक काफ़ला रवाना हो रहा है। इसका मकसद ये है कि ज़रई कवानीन के ताल्लुक से संघर्ष कर रहे आंदोलन कर रहे अपने किसान भाइयों को खाना खिलाएं। वैसे भी दीन इस्लाम के अंदर खाना खिलाना ये एक बड़े सवाब का काम है। जिन लोगों ने यह कोशिश की है हम उनकी इस कोशिश की सराहना करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि इसको कबूल फरमाए और इसके ज़रिए से सारे हिंदुस्तान में रहने वाले मज़ाहिब के मानने वालों के दिलों को आपस में जोड़ दे, एक एकता पैदा हो, एक इत्तेहाद पैदा हो, आपस का भाईचारा पैदा हो कि हिंदुस्तान दर हकीकत गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और आपस का भाईचारा इसकी तहजीबी शनाख्त को और ज़्यादा मजबूत करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस अमल के अंदर भरपूर कामयाबी हासिल हो। अज जो पहुँचे हैं जी, इतों लंगर की तैयारी है दिल्ली के लिए किसान अंदोलन दे विच, क्योंकि पहला दिन तो ही 26 नवंबर तो जब तो उत्थे धरना शुरू होया किसान भाईचारे का, तो उस वेले तो ही मुस्लिम समाज के वलों दो लंगर उत्थे लाए गए हैं। ये तीसरा लंगर होर शुरू किया जा रहा, तो हुण तक जिथे लंगर शुरू किया जा रहा उत्थे ही वख वख जगह तो पूरे पंजाब दे विचों मुस्लिम समाज के बंदे भी उत्थे पहुँच रहे हैं, क्योंकि कई किसानी करने वाले ने, कई मजदूरी करने वाले ने, मतलब हर वर्ग किसानां दे नाल जुड़िया होया सीधे जां असिधे तौर पर। दूसरी गल इह आ कि साडा मुल्क जिहड़ा हैगा इत्थे इक इह बाग दी तरह जिहदे च सारी तरह के फुल ने, और जदों भी किते साडे क्योंकि साडी भाईचारक सांझ आपस विच किसी भी वर्ग के लोगों कोई ज्यादती होंदी आ, कोई सरकार जुल्म करती आ, तो साडा सब का फर्ज बनता उत्थे उस साडे भाईचारे दे उह बंदियां दे नाल खड़ना, चाहे वह किसान ने, चाहे मजदूर ने, चाहे कोई भी, उन्होंने नाल डट के खड़ना और उस जुल्म का मुकाबला करना, उन्होंने नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ना। ये समूह जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा मलेरकोटला दा ते आस पास के पूरे पंजाब तो जिहड़े मुसलमानां दे नाल साडे दूसरे धर्मां दे लोग भी जिहड़े शामिल होए ने, लंगर सेवा जिहड़ी चल रही है, किसान अंदोलन जिहड़ा सिंघू बॉर्डर ते मेहल ये जिहड़ा काफला जा रहा है, पहला भी जॉइंट एक्शन कमेटी पंजाब वालों भी असी उन्हां दी मदद करते रहे हैं, तो हुण भी साडे कुछ मैंबरान भी लिबड़ा साहब ने, होर भी साडे जिहड़ी पर्सनैलिटीज़ ने होर जा रही ने। तो जिहड़ा असीं देखिया है भी जिहड़ा किसान अंदोलन पिछले 5-6 महीनों तो बहुत शांतमई पुरअमन तरीके नाल चल रहा सी, ते हाल ही विच जिहड़े इंसीडेंट होए ने 26 जनवरी तो उस तो बाद ये साफ है कि जिहड़ी भाजपा सरकार है उसकी गुंडागर्दी, उसके जिहड़े उत्थे लोकल लीडर सन वो आके उन्होंने कोशिश की, तो पुलिस वालों जिहड़ा तशद्दुद किया गया असी निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं सारे कि जिहड़ा और फौरन ही जिहड़ा है भाजपा सरकार नू इन्हां दी जिहड़ी मंगा है मन लेनी चाहिए, जिहड़े काले बिल हैं वो फौरन ही वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि जिन्हां लई ये बिल लैके आए हैं जब वो लोग ही खुश नहीं हैं तो इन्हां दा कोई फायदा नहीं है। और ये जिहड़ी है दलेर कौम है सिख कौम हमेशा ही जिहड़ा मुसलमानां दा साथ सदियां तो रहा है, मलेरकोटले दा तुहानू हिस्टरी पता है, ये इंशाल्लाह असीं इसे तरह जिहड़ा साथ इन्हां दा दिंदे रहांगे। जब भी साडी जरूरत है मुस्लिम भाईचारा पूरे पंजाब दा साडे सिख भाईचारे नाल खड़ा है, और ये जिहड़ी कोशिश है भाजपा सरकार की
खालिस्तानी कह के या अतवादी कह के इन्हों बदनाम कर पहला भी सी एन आर सी वेले भी मुसलमानों बदनाम करने की कोशिश की गई और यह कामयाब नहीं हुए। असी चाहते कि जड़ा ये जड़ा इन्हों की अपना अपने वजूद लिए अपने परिवार के जड़े रोजी रोटी लिए कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जड़े किसान भाईचारा कर रहे हैं और इन्हों जायज़ मंगा ने यह केंद्र की जी भाजपा सरकार है उन्होंने फौरन ही इन्हों की जी डिमांड्स मन लेनी चाहिए हैं और इन्हों हमेशा ही असं नाल खड़े हैं। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਮਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਆਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਖਾਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੋਂ? ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਿੰਦਰਪਾਲ ਟੋਨੀ ਕਾਲਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਕਦੇ 5 ਦਿਨ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਿੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਕੁ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਰੇਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਟਲੇ ਦੇ 2 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 3ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਲਿਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਨਿੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਚ, ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 3ਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਸੀ,
कौम वालों गए से उत्थे होर हिंदू सिख भरावान ने भी साडा साथ दिता और सानू सा बहुत सराहाया उन्हां लोकां ने सिरां ते रखिया। सो मैं समझदा भी जिहड़ा गोदी मीडिया है जिहड़ा अंध भगत है वह जिहड़ियां असलीयत दीआं चीज़ां ने वह नहीं दिखा रहा चैनलों के उत्ते। सो मेरी जिहड़े गोदी मीडिया वालों नूं अपील जरूर है भी जिहड़ा सच है उहनूं दिखाओ तुसीं। जिहड़ी परेड शांतिमय ढंग नाल गई सी उत्थे वह तां किसे मीडिया ने नहीं दिखाई। सो अज आ जिहड़ी इक अद्धी शरारत किसी शरारती अंसर ने करी वह किसान है ही नहीं पहली गल, जिन्हें उत्थे इह जी शरारत करी वह किसान थोड़ी है। तुसीं उहदे इतिहास चक के देखो उहदा पिट्ठू है बीजेपी का। तो साडे जिहड़ा अंदोलन नूं खराब करन लई इह साजिशां रचियां जा रहियां ने। सो मैं समझदा भी जिहड़ी सेंटर सरकार है उहनूं अखां नींद चों उठ जाणा चाहीदा क्योंकि ये मसला पंजाब का नहीं रह गया, किसी धर्म का किसी जाति का नहीं रह गया, ये पूरे भारत का मसला है। सो सानू सारियां नू चाहिए अपन जातां पातां तो उपर उठिए, थोड़ा जिहा धर्मां मजहबां तो उपर उठिए क्योंकि हुण लोड़ मैनू मुसलमान बनन तो पहला या किसी नू हिंदू बनन तो पहला या किसी नू सिख बनन तो पहला एक इंसान बनन की लोड़ है। तो उत्थे इंसानियत का घाण किया जा रहा है, पुलिस नाल खड़ा खड़ा बट्टे मरवा रही है। सो इसलिए इस टाइम जरूरी है भी इंसान बनीए आपां पहला, उस तो बाद कुछ बनीए। सो अज ये लंगर की बड़ी वधिया शुरुआत है, मैं समझदा सानू सारे लोग जिहड़े जा सकते ने उत्थे पहुँचना चाहिए और जिहड़े आ बजुर्ग ने लेडीज़ मातावां भैणां ने नहीं जा सकदियां वो साडे किसान वीरां दे हक च दुआ करन। इन्ना ही कहिंदा मैं सारिआं दा उरे जिन्ने भी बंदे ने साडे नाल जिहड़ी एक नवां लंगर की शुरुआत करन जा रहे ने, मैं उन्हां नूं मुबारकबाद देना सारिआं नूं। इन्हां सारिआं दा सहयोग नाल देखो रल मिल के इहो जिहे कम चलदे ने ते एक नवां ही शुरुआत करन चले आ। सारे लोग दुआ करिए असीं उहदे च कामयाब होईए। धन्यवाद। पूरी समूह संगत मतलब कोई विशेष मतलब अपील करना? सब तो पहला तो असीं धन्नवाद करदे आ सारे मुस्लिम समाज का जिन्हां ने पहला भी ऑलरेडी पहला भी गल हुई है भी दो लंगर उत्थे ऑलरेडी चल रहे हैं और तीसरे का जिहड़ा प्रबंध सारे भरावां ने रल मिल के किया। साडे कोल कोई शब्द नहीं हन भी जिहड़े शब्दां दे नाल इन्हां भरावां दा असीं धन्नवाद कर सकीए क्योंकि सारी असीं किसानी दे नाल जुड़े हुए हां, किसान वर्ग दे असीं लोग हाँ, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं है। और मैं बेनती करनी चाहुंदा पंजाब दे समुचे किसानां नूं मजदूरां नूं होर भी जिहड़े दुकानदार वर्ग तों साडे भरा ने छोटे व्यापारी ने जां मुलाजम वीर भी ने भी जरूर आपां हंबला मारीए उत्थे संघर्षशील लोगों के नाल मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के खड़ीए तां जो उन्हां दा हौसला होर वध सके और मोदी सरकार आ जिहड़ी उह हार जावे, साडे जिहड़े काले कानून साडे ते थोपे जा रहे ने उहनां नूं उह वापस लैण।